बीजेपी नेताओं में आपसी मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद गणेश सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सांसद बताएं उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है आज तक, और जो काम हम करते हैं उस पर वो अपना गुणगान करने से बाज नहीं आते हैं। सांसद सुधर जाए नहीं तो मैहर में उनका घुसना मुश्किल हो जाएगा। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद गणेश सिंह पर जमकर हमला बोला। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि सांसद गणेश सिंह बताएं कि उन्होंने अपनी 4 बार की सांसदी के दौरान मैहर के विकास के लिए क्या किया है, और सिर्फ मैहर ही नहीं जिले के विकास के लिए भी कुछ किए हो तो बताएं। नारायण त्रिपाठी ने सांसद गणेश सिंह पर हमला करते हुए कहा कि खुद तो आपने कुछ किया नहीं, उल्टा राज्य सरकार की योजनाओं से जो विकास कार्य हुए हैं उसका आप लोकार्पण करके विकास पुरुष बनने का दिखावा करते हैं। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जब घमंड रावण का नहीं रहा तो सांसद क्या चीज है, इनका और इनके सहयोगियों का अहंकार टूटेगा। यदि इन्होंने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो हम इनका मैहर में घुसना मुश्किल कर देंगे। और अचानक सांसद जी का जब मैं गेट में पहुंच जाता हूं तो मैसेज आता अधिकारियों के पास कि इसका लोकार्पण मंत्री जी करेंगे। अब कौन मंत्री जी करेंगे, कब मंत्री जी करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। मैहर में कॉलेज बिल्डिंग बनी पड़ी है, यहाँ एबीपीवी वाले बच्चे कई बार आंदोलन कर चुके, धरना प्रदर्शन कर चुके कि कॉलेज का लोकार्पण हो जाए। मैं कलेक्टर से बात करता हूँ, कलेक्टर कहते हैं कि उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जी होशंगाबाद में रहके इसका लोकार्पण किए होंगे, हमें तो पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। एक प्रोटोकॉल होता है, हमारा भी एक प्रोटोकॉल है जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। सांसद जी हर काम पर टांग अड़ाने का काम करते हैं। सांसद जी को मैं चुनौती देता हूँ कि मैहर में या सतना लोकसभा में कोई एक ऐसा काम बताएं जो उनके द्वारा किया गया हो। केंद्र सरकार की योजनाओं पर भूमि पूजन और लोकार्पण करने का काम करें सांसद जी, विधायकों के काम पर हस्तक्षेप न करें। यह उनके स्वभाव के विपरीत है, यह उनका स्वभाव, यही स्वभाव उनका, पर यह प्रोटोकॉल के विपरीत है। यदि सांसद जी का यही व्यवहार रहा, आज मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि यहाँ इस तरह जो हस्तक्षेप है, कोई मैहर भर नहीं, पूरे सतना जिले में कोई बहुत बड़े तानाशाह वो भी न बन जाए, अपने आप में सुधार करें। आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा और सांसद जी के एक एक काम को खोजूंगा कि मैहर में आखिर उनका काम कौन है, और मुख्यमंत्री जी सांसद जी को समझाएं कि केंद्र सरकार की योजनाओं पर हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की योजनाओं पर हस्तक्षेप न करें और अपने में सुधार करें, अन्यथा मैं मैहर में घुसना भी बंद कराऊंगा। ये भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा तो ये भी लड़ूंगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।